सुजानपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सुजानपुर में होने जा रहे उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र राणा मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर व विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र राणा को जीत दिलवाने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में एससी मोर्चा ने 10% अधिक मत भाजपा को दिलवाने का संकल्प भी लिया। हरिजनों के फोन आए थे, बापू ले आएगा। मैंने कहा यार फिक्र मत करो, तो बापू जरूर आएगा आशीर्वाद देने। आज बापू जी आ गया, सब कुछ ठीक हो गया। जमुना कठी हो गई है, एक गरीब का भी इस गंगा जमुना में डुबकी लगाने का मौका देना, और हम सब मिलकर काम करेंगे। इसमें हमें तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 1998 मैंने सरकार बनाने का मौका मिला, मुझे लगता है 28 एमएलए से शुरुआत है। इन्होंने की चार जो एमएलए थे वो हिमाचल विकास कांग्रेस के जोड़े गए, 3 चुनाव बाद में हुए। इतनी अल्पमत में होते हुए भी इन्होंने 5 साल एक मजबूत सरकार चलाई, और आज हिमाचल प्रदेश में हालात क्या है कि 43 एमएलए होने के बावजूद भी अगर एमएलओ की संख्या 34 पहुंच गई है तो इसके लिए कसूरवार कौन है? परिवार का मुखिया जो होता है, चाहे घर है, चाहे सरकार है, चाहे कोई विभाग है, अपने परिवार के लोगों की देखभाल कैसे करनी है, उनको कैसे रखना है, ये परिवार के मुखिया का काम होता है। की चिंता आप ना करें, एक चक्कर जरूर लगाएं। हम गांव गांव में जाके, घर घर में जाके प्रचार करेंगे और पिछली बार का रिकॉर्ड जो उसको तोड़ेंगे। आज पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, इस तरीके से पूरा देश जो है वो विकास की एक नई गाथा लिख रहा है, दुनिया में नाम चल रहा है। आज देश कितना मजबूत दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हुआ है, इस बात का आंकलन जब भी नरेंद्र मोदी जी किसी भी मुल्क में जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे होते हैं, इसलिए देश की भी लोकप्रियता बढ़ रही है और मोदी जी की तो बढ़ी है, हमारा मान सम्मान भी देश के लोगों का बढ़ा है। कमर खिलाओ, भारतीय जनता पार्टी जिताओ, केंद्र में मोदी जी को फिर से बनाओ, प्रदेश में बदलाव लाओ। इस वर्ग को जोड़ने का एक बात का ध्यान रखना, और अमीर आदमी बैठे तो बुरा मत मान। अमीर की जेब में दोनों झंडे होते हैं, जिस पार्टी का जीत गया वो झंडा निकाल देता है। गरीब जिसके साथ जुड़ जाता है वो 3-4 पीढ़ियां साथ निभाता है।